चाहते सभी सामान्य जनता जनता को देना चाहेंगे। उनके प्रयास से आप अभी हैं और आने वाले समय में भी काम करेंगे। होगी राजकमल जी, आप बताइए कि आप का घर कहाँ है? मेरा घर बहरामा हुआ। बहरामा हुआ, तो आपके बीच में जो मुखिया प्रत्याशी विनोद यादव नहीं है, तो क्या लगता है कि बहरामा में पहले की तरह इनका लोग बात मानेंगे, इनकी प्रतिनिधि का? पहले से ज़्यादा मानेंगे। वजह क्या है? वजह है दुश्मन लोग जानबूझकर इनको फंसा दिया गया है। जानबूझ के फंसा दिया, इसलिए लोगों का सिंपैथी वोट इनको मिलेगा? मिल रहा है, पूरा मिलेगा, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। क्या वजह है कि आप इनके साथ हैं? वजह है कि जन योजना में देखे, हर गली में देखे जाते। क्या क्यों उनके साथ हैं? जनता के सपोर्ट में है पूरे समाज के, और पहले भी समाज सेवा कर चुके हैं और साथ भी रहते। अच्छा, इसलिए आप उनके साथ हैं। ठीक, बगल से। आपका क्या नाम है सर? कि आप जो इनके साथ हैं, वजह क्या है? वजह है कि समाजी सब ने काम किए हैं। हाँ, और उसी से हम साथ दे रहे हैं। यानी कि उनके सामाजिकता देखकर आप प्रेरित हैं, उसके साथ हैं आप? साथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि मोकिमपुर के लोग इनको स्वीकारेंगे? हाँ, स्वीकार रहे हैं। हाँ, इस बार जो है, पिछले बार बहुत कम अल्प मत से पीछे रह गए थे, क्या लगता है कि इस बार इनका परिवर्तन निश्चित है? निश्चित जीत है, निश्चित जीत है। आप लोग उनके साथ हैं? हाँ। आपसे एक प्रश्न था कि आखिर क्या वजह है कि जो वर्तमान मुखिया आपके गांव में काम नहीं किया, क्या वजह है? हाँ, हमारे गांव में वर्तमान मुखिया इसलिए काम नहीं किए कि विनोद यादव हसन चक का अफगानपुर पंचायत का सेकंड पोजीशन पर मुखिया का कैंडिडेट से हारे हुए हैं। इनकी प्रतिशोध में प्रेजेंट मुखिया हसन चक ने काम नहीं किया। यहाँ का जनता, हसन चक का जनता विनोद यादव के साथ है। हर हाल में साथ है। हर हाल में साथ है। नरेंद्र जी, और युवाओं के बीच में एक आइकॉन की तरह काम करते हैं, इस बार क्या लगता है कि युवा पिछले बार की तरह बलगला जाएंगे या आपके प्रत्याशी जो हैं विनोद यादव उनके तरफ होंगे? नहीं, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, खास करके अफगानपुर पंचायत के लोग, बहुत ही शिक्षित हैं और सोच समझकर काम करते हैं। पहले जो भी वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने बहुत सारे फंडों को निकाल कर और उस कार्य को अंजाम नहीं दिया है, और ये भली भांति हमारे शिक्षित ग्रामीण जनता अफगानपुर पंचायत के समझते हैं। इसीलिए दोबारा हम लोग फिर से विनोद यादव को मौका देंगे और जीत सुनिश्चित करवाएंगे। आप क्या नाम है? मुकेश कुमार। आपका घर कहाँ है? बहरामा घर। बहरामा घर है, तो आपका जो अभी आज हम लोगों से मुलाकात हो रहा है, तो पंचायत के विभिन्न गाँवों से हैं, तो बहरामा के लोग इनके प्रति क्या श्रद्धा रखते हैं? बहरामा के लोग विनोद यादव के प्रति क्या श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं? विश्वास यही रखते हैं कि जिताने के बाद वो काम करेंगे। काम करेंगे। आप क्या इनके साथ हैं? हाँ, खुल के हैं। खुल के जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। आप जो आपका इस बार का चुनावी माहौल है, इस माहौल में आप किस तरह से अपने प्रत्याशी को देख रहे हैं? माहौल जैसा लग रहा है कि हम लोग अच्छा वोट से लीड करेंगे। पिछला बार भी हम लोग कल सेकेंड स्थान रहा था, लगभग कुछ वोटों से हारे थे। वो भी मान लीजिए फर्स्ट जो है मुन्ना सिंह फर्स्ट रहा था, कुछ वोट हम लोग को रिजेक्ट जानबूझ कर करवाया गया था। इस अच्छा। बार भी बोला जा रहा है कि देखिए, जीत या हार किसी को हो, लेकिन सर्टिफिकेट तो मेरे हाथ में है और मन बनाया हुआ है कि मैं भी, मैंने भीतर भी जेल में है, तो सोच रहे हैं कि मान लीजिए इनका यदि विजेता भी हो जाते हैं तो दूसरा मैंने हमारा स्थान रहता है, तो मैंने सर्टिफिकेट को बरगला कर किसी तरह ले लेंगे। क्या लगता है कि प्रशासन ऐसा होने देंगे? हम लोग का तो प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन जब प्रत्याशी खुद बोल रहे हैं तो थोड़ा सा वोटर लोग का मन टूटता है,
आपको प्रशासन पे भरोसा रखना पड़ेगा। बोलने वाले कुछ भी बोले, प्रशासनिक व्यवस्था पर आपको भरोसा रखना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था आपका बढ़िया है, प्रशासन ऐसा नहीं होने देगी। अच्छा, इससे क्या लगता है कि जब मुखिया प्रत्याशी या विपक्षी आपके इस तरह के बात बोल रहे हैं तो आपके समाज के लोग, आपके पंचायत के लोग एकजुट हो रहे हैं आपके प्रति या बिगड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग के प्रति 100% जो वोटर हैं एक्टिव है और सब हर एक घर में एक्टिव है। हमको इस बार एकदम लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से विजय होंगे। और आप तमाम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं हैं। जिंदाबाद।